फतेह के सामने आ चुका है जैस्मिन का काला सच, देख चुका है वो एक बार फिर से उसका असली चेहरा। भले ही अभी आप ये सब चीजें ना देखें, भले ही रंगे हाथों जैस्मिन को फतेह ने नहीं पकड़ा हो, लेकिन अब आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि फतेह पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाला है जैस्मिन को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और आज के एपिसोड में भी आप देखेंगे कि फतेह किस कदर बौखला जाता है जब उसे ये पता चलता है कि जैस्मिन जो है वो तेजो के साथ है। वेल, यहाँ पर जो रूपी होते हैं और साथ ही साथ सती होती हैं, ये दोनों ही बाहर होते हैं और अंदर अकेले यानी कि घर में जैस्मिन और तेजो होते हैं। यहाँ पर जब फतेह आता है तो रूपी और सती से पूछता है कि तेजो कहाँ है, जिसके बाद सती कहती है कि तेजो जो है वो घर पे है। तो फिर वो पूछता है कि उसके साथ कौन है, जिसके बाद सती कहती है कि यहाँ पर उसके साथ जो है वो है जैस्मिन। जैस्मिन का नाम सुनते ही फतेह एकदम बौखला जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही होता है। फतेह एकदम आनंद फानन में घर पहुंचता है, संधू हाउस पहुंचता है और वहां पर जैस्मिन नहीं होती है तेजो के साथ। वहां पर जैस्मिन तेजो को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पर पहले भी उसने उस घटना को अंजाम दिया था। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो जैस्मिन ही थी। उस रात भी जैस्मिन ने पूरा साथ दिया था। ये सब कुछ कांड करवाने में जैस्मिन का सबसे बड़ा हाथ था, यानी कि अंगद ने जो किया था वो कहीं ना कहीं से जैस्मिन के इशारे पर ही किया था। यहाँ पर जो फतेह है वो एक बार फिर से देखेगा कि वही जगह, आग वाला वही सीन, और एक बार फिर से तेजो जो है वो यही कहती नजर आती है कि जैस्मिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना, और वो जैस्मिन जैस्मिन चिल्लाती है। ये देखने के बाद फतेह जो है वो बहुत ही माइन्यूटली इस चीज़ को देखने वाला है, क्योंकि वो ये देख रहा है। पहले उसने देखा था कि जैस्मिन जो है जब भी तेजो के साथ होती है तो कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। वो देख रहा है कि जो जैस्मिन है वो किस कदर जो है वो गुरप्रीत यानी कि उसकी माँ को भड़का रही है। वो देख रहा है कि उसे पाने के लिए वो क्या कुछ कर रही है। तो आगे वो ये भी समझ जाएगा कि ये सारा कांड जो है वो उसी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पुराना कांड हुआ था, यानी कि जब तेजो को पहले जलाया गया था, तो उस वक्त की भी सारी सिचुएशन जो है वो फतेह के सामने आएगी। और फतेह एक एक काला चिट्ठा जो है वो जैस्मिन का खोलने वाला है, जिसके बाद जैस्मिन की हालत बेहद खराब होने वाली है। वैसे भी आप सबने देखा ही कि धीरे धीरे विर्क फैमिली भी अब फतेह को वैसे ही एक्सेप्ट करने को तैयार हो चुकी है। ये अलग बात है कि अब सिचुएशन एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि अब तो तेजो की याददाश्त वापस आने वाली है और याददाश्त वापस आने के बाद वो फतेह से नफरत करने वाली है, जिसके बाद फतेह अब क्या करेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर आप सबने देखा ही है कि जब जैस्मिन बताती है गुरप्रीत को कि वो उस लड़के से मिलने जा रही है, तो गुरप्रीत कहती है कि ठीक है बेटा, तुझे जाना चाहिए और तुझे अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। और फिर वहाँ पर वो एक बात बोलती है कि मैं फतेह को नहीं खो सकती। तो कहीं ना कहीं से विर्क फैमिली, जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि विर्क फैमिली जो है वो फतेह के आगे झुकेगी, तो विर्क फैमिली जो है वो झुकने वाली है। लेकिन इसी बीच अब बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, तेजो की याददाश्त वापस आ गई है। वेल, अब यहाँ पर फतेह जो है वो ये सब कुछ देखने वाला है। वो देखने वाला है कि जैस्मिन क्या हरकत कर रही है, वही गो डाउन, वही सीन, और फिर जैस्मिन का वही पागलपन। जब तेजो जो है वो ये सब बातें बोलती है और चिल्लाकर हटाती है उसे, तो कहीं ना कहीं से फतेह के दिमाग में भी ये बात चलेगी। देखते हैं फतेह कैसे जड़ तक पहुँचता है जैस्मिन के। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।